कि इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटर व्यापार से जयपुर में 4000 से भी ज्यादा व्यापारी जुड़े हुए हैं, जिनके माध्यम से 1,00,000 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार और सरकार को सालाना 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का राजस्व मिलता है। लेकिन अभी तक सरकार ने इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स की अनदेखी की है। सोमवार को जयपुर इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन की वार्षिक साधारण सभा की बैठक हुई। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स की समस्याओं के समाधान के लिए रणनीति तय की। एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश इंदौरिया, उपाध्यक्ष रवि मालुकानी और पुनीत जौली ने बताया कि बैठक में मांग पत्र तैयार किया गया है, जिसे मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। इसमें जयपुर में 10 फीट तक के पाइप की ढुलाई की अनुमति देने, माचुड़ा में प्रस्तावित हार्डवेयर मंडी में इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी वेयरहाउस के लिए रियायती दर पर जमीन देने और जीएसटी के प्रावधानों की विसंगतियों को दूर करने की सरकार से मांग की गई है। वर्तमान परिस्थितियों में जो हमारे को समस्याएं आ रही हैं, जिसके अंदर एक कंड्यूट पाइप का विषय हमारा मेजर है। कंड्यूट पाइप का जो साइज आता है वो 10 फीट का आता है और जो गाड़ियां हैं वो 7 फीट की आती हैं, तो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है ये हमें बहुत तकलीफ देह है, क्योंकि गाड़ी डिपो से निकलती पहले चौराहे पर ही रोक दी जाती है पुलिस वालों से। तो हम सरकार से चाहते हैं कि एटलीस्ट कंड्यूट पाइप को लोडिंग अनलोडिंग में हमें फैसिलिटी मिले। ने ट्रांसपोर्ट को ट्रांसफर कर दिया वीके, हमारी सब ट्रांसपोर्ट वहाँ शिफ्ट हो गई। हमें मार्शेडा में अगर ये ज़मीन नहीं देंगे तो हम लोग माल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे यहाँ से टेम्पो यहाँ से जाना पड़ता है। कितना प्रॉब्लम होता है, कितना वेस्टेज होता है, कितना पेट्रोल लगता है, कितना डीजल लगता है, इसका कोई उपयोगिता नहीं है। अगर हम सब डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन को वहाँ पर दुकानें दे दी जाएंगी तो कम से कम हम वहाँ से उसको इतना अच्छा मैनेज कर सकते हैं राजस्थान को, जो हम आज कर रहे हैं उसके लिए बहुत तकलीफें हमारी खत्म हो जाएंगी। ये एक ईज ऑफ बिजनेस के बारे में भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें एक चैनल फाइनेंसिंग एक बहुत बड़ा इशू है। आज की डेट में हर आदमी को एक ईजी फाइनेंस की अवेलेबल है अवेलेबिलिटी की जरूरत है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेड में ये भी जरूरत है। अब इसमें एक अलग एक पहलू आ गया है कि रिटेलर के लिए फाइनेंस अवेलेबल है, उसके लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें बैंक्स लोग आ रहे हैं एक नई अपनी योजनाओं को लेकर आ रहे हैं, आज हम वो भी डिस्कस